की पहली बरसात ने नगर निगम की पूरी तरीके से पोल खोल के रखी है। हम इस वक्त लखनऊ के पार्क रोड पर मौजूद हैं और जिस तरीके से यहाँ पर जलभराव देखा जा सकता है कि घुटनों तक यहाँ पर पानी भरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मात्र यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है और मात्र यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर सिविल हॉस्पिटल है, जहाँ पर मरीज अपना इलाज कराने आते हैं। लेकिन इस गंदे पानी में जब यहाँ से निकलकर वो वहां जाएंगे तो और भी उनको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं। यहाँ पर हर साल जल भरा हो जाता है, पहली बारिश में यह हाल हुआ है, किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, हर साल का तो नहीं पता, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ, मैं आधे घंटे से खड़ा हूँ अपने ऑफिस जाने के लिए। मेरी बाइक के साइलेंसर में पानी घुस गया, बीच रास्ते में मैं खड़ी गया हूँ। हर जगह तो सुनते हैं कि लखनऊ स्मार्ट सिटी है, गूगल पे सर्च करो तो स्मार्ट सिटी आता है। ये स्मार्ट सिटी हमें तो नहीं लगता है, लग रहा है कि फर्जी में इस बार वोट दे दिया भाजपा को कि क्या किस तरीके का नगर निगम का माहौल है, क्योंकि सब ये गड़बड़ी रहता है यहाँ पे, आदमी फिर परेशान होता है। पूरे में जल भराव है और देखिए ये नाला यहाँ पे बना हुआ, कितना बड़ा नाला बना है। अगर नाला बना है तो कैसे रास्ता पार हो? हम तो चलिए ठीक है, मेरे पास बाइक है, मैं आ गया। कई गरीब आदमी है सिविल अस्पताल में इलाज कराने के लिए आते हैं, सिविल अस्पताल आप जान रहे होंगे कितना बड़ा हॉस्पिटल है, वो कैसे आते हैं? वो पैदल आते हैं, चलते फिरते कई, यहीं से मात्र 500 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास भी है। मुख्यमंत्री आवास है लेकिन आंख मुंह बंद किया है लग रहा मुझे सीएम साहब ने, क्योंकि अगर खुला होता तो ये कहीं ना कहीं नगर निगम को आदेश देते कि इस तरीके की चीजों पे ध्यान दें। सिर्फ स्मार्ट सिटी की बातें होती है, स्मार्ट सिटी कहीं नहीं दिखता, ये स्लम सिटी है, ये लखनऊ स्लम सिटी है, स्मार्ट सिटी नहीं है, ये स्लम सिटी है। लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों की गाड़ी खराब हो रही है, जनता है वो परेशान हो रही है। नगर निगम के जो अधिकारी हैं पिछले 2 महीने से बैठक कर रहे हैं कि बरसात आने वाली है और इसकी तैयारी करनी है, लेकिन जो आम जनता है उसका बदहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से बदहाल है। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि गाड़ी जो देख रहे, कार है वो आधी डूबी हुई है, तो जो बाइक है वो देखिए पैदल घसीट कर ला रहे हैं, क्योंकि जो पानी है वो गाड़ियों में भर जाता है, जिसके कारण गाड़ी बंद हो जाती है बीच पानी में, और उसके बाद वो पैदल घसीटने को मजबूर हो जाते हैं, उनके कपड़ों में पानी भर जाता है, जूतों में पानी भर जाता है। पहली बरसात है सावन की और ये जिस तरीके से परेशानी देखने को मिल रही है, क्योंकि ना ही यहाँ पर नाले की जो ठीक व्यवस्था है, पानी निकलने की व्यवस्था है, सीवर की व्यवस्था, वो कुछ भी ठीक नहीं हो रही है। फिलहाल जो भी दावे हैं नगर निगम के वो सारे खोखले नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो क्या कुछ करते हो और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं किस तरीके से इस पर संज्ञान लेते हैं। लखनऊ से सफी अहमद, टीवी 9।